इस वीडियो में हम लोग कुछ और एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें फैक्टोरियल गिवन है और हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी एक नंबर का, और उसके लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना चाहते हैं। सो फैक्टोरियल हमारा एक फंक्शन का नाम हो गया, और इसमें लेट से एन नंबर गिवन है और इसमें हमें इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, और क्योंकि एल्गोरिथम ये होगी इसलिए हम एल्गोरिथम कीवर्ड अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। बिगिन और एंड के बीच में हम अपना लॉजिक लिखेंगे। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना बड़ा ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब है कि 3 से लेकर 1 तक सभी नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा फैक्टोरियल वैल्यू होगा। अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहते हैं, भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 3 तक सभी नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही एक्चुअली हमारा फैक्टोरियल 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एन नंबर है अगर आपके पास, तो एक लेट से हमने एफ नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको 1 से इनिशलाइज कर दिया, एंड देन एक हमने लूप लगाया और उस लूप में ये कहा कि फॉर आई इक्वल्स टू 1, 2 एंड डू। ठीक है, हम एक लूप काउंटर आई ले रहे हैं और उस लूप काउंटर आई के थ्रू हम आइटरेट कर रहे हैं, और एफ इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड विद आई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एफ की इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 में 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन उसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड फाइनली जब ये लूप फिनिश होगा तो हम एफ रिटर्न कर देंगे। फाइन, तो एफ हमारा फैक्टोरियल वैल्यू होगा। ना इस एल्गोरिथम को अगर आप ध्यान से देखें तो एक इसमें नया तरीका आया फॉर लूप को लिखने का। बिल्कुल ही ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम कोई फॉर लूप लिखते हैं एल्गोरिथम में, तो हम लिख रहे हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू n डू, लेकिन अगर हम इसको सी में लिखेंगे तो होगा ये फॉर आई इक्वल्स टू 1 i < than or = n n i++। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ किया, और फिर लास्ट जो वैल्यू इसकी है वो n है, और इंक्रीमेंट इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट 1 माना जा रहा है। अगर हमने केवल ऐसा लिख दिया फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू n डू, तो हम उसको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट 1 मान रहे हैं, लेकिन अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट 1 के अलावा कुछ होगा, 2 होगा, 3 होगा, हो सकता है कि डिक्रीमेंट हो सकता है कि डिवीजन बाय 2 हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो, तो इनको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे और आपको मैं आगे बताता रहूँगा कि इसको कैसे लिखा जाए। सो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट हुए हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक स्टेट में ये कंपलसरी है, सिमिलरली ये स्टेटमेंट भी कंपलसरी है। लूप के अंदर जो ये लिखा गया आइटम, इसमें लूप का जो एग्जीक्यूशन है, नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो एन टाइम्स होगा, और हर लूप के एग्जीक्यूशन के लिए ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो हम अगर लूप के अंदर हम हैं और ये एन टाइम एग्जीक्यूट करता है और उस लूप के अंदर केवल एक स्टेटमेंट है, तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन है, टोटल एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। हालांकि ये डिबेटेबल इशू है कि ये एन नहीं होंगे, एन से ज़्यादा होंगे, सही भी बात है ये, क्योंकि आई की वैल्यू 1 इनिशलाइज एक बार होगी, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हर लूप के एग्जीक्यूशन में 3 स्टेटमेंट्स हमारे टोटल एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हमने यहाँ पे एन माना है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हमने एन मान लिया, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट होते तो हम 2 एन मान लेते, इसी लूप के अंदर अगर 3 स्टेटमेंट होते तो हम उसको 3 एन मान लेते। ओके, सो एन टाइम्स ये लूप हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एक स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट ये, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होंगे वो n+2 होंगे। और n+2 को अगर हम नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो बिग ओ नोटेशन में हम लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में कि आप केवल बिग ओ नोटेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, सफिशिएंट है इतना प्लेसमेंट्स के लिए। अदरवाइज़ अगर आप गेट के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं या किसी और पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ओमेगा, बिग ओ और थीटा नोटेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिग ओ एन रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसलिए कि जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म का एडिशन, कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, कॉन्स्टेंट टर्म का सब्सट्रैक्शन, कॉन्स्टेंट टर्म का डिवीज़न, इन सबको हम ऑमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2n+3 होता तो भी हम इसमें इसको ऑर्डर ऑफ एन ही लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हटा देना है हमें, कॉन्स्टेंट टर्म का एडिशन भी हमें हटा देना है, और डोमिनेटिंग फैक्टर के रिस्पेक्ट में हमें
कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे एन है, या जो वेरिएबल टर्म है वो एन है, इसलिए हम इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी 2/3n-7 हो, तो यहाँ पे इनको हटा देना, ये कांस्टेंट है, इसको हटा देना, ये कांस्टेंट है, एन के रिस्पेक्ट में हम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे, तो इस वैल्यू को भी हम ऑर्डर ऑफ एन ही लिखेंगे। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना हो इसी एल्गोरिथम का, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने एक्स्ट्रा स्पेस आपने इसके अंदर यूज़ किया, कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपने यूज़ किया। तो एफ़ एक वेरिएबल है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, आई एक वेरिएबल है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, दो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1। फाइन, इसी की जगह अगर आप मान लीजिए कि इसमें एक एरे यूज़ कर रहे होते हैं एन साइज़ का अपनी तरफ से लॉजिक में, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। कुछ और एल्गोरिथम्स लेते हैं और उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। लेट्स से हमने ऐसा लिखा, फॉर आई इक्वल्स टू एन 2 1 स्टेप -1 डू, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने लिखा राइट आई। नाउ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये है फॉर सी में, अगर हम सी का इक्वलेंट इसमें लिखें तो फॉर आई इक्वल्स टू एन आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस एंड देन राइट आई, तो बिल्कुल सेम है। अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ पे स्टेप -1 लिखेंगे। मान लीजिए कि अगर हमें इंक्रीमेंट 2 का करना होता, यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 लिखना होता, तो यहाँ पे हम लिखते स्टेप +2, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड विथ 2 लिखना होता, तो हम यहाँ पे लिखते स्टेप मल्टीप्लाइड विथ 2। फिर अगर हमें आई इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई 2 लिखना होता, तो यहाँ पे हम लिखते स्टेप डिविज़न विथ 2। फाइन, तो अदर देन 1 इंक्रीमेंट कुछ भी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो उस केस में हम यहाँ पे स्टेप यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव स्टेप है तो स्टेप प्लस समथिंग लिखेंगे, नेगेटिव स्टेप है तो स्टेप -1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर तो मल्टीप्लाइड विथ 2, मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिखेंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिविज़न में लिखेंगे। फाइन, तो हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। आप अगर ध्यान से देखें, मान लेते हैं कि ऊपर जो एल्गोरिथम है वो कहीं इनक्लोज, अब उसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, आपको एक बार समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे एल्गोरिथम कीवर्ड लिखते हैं और बिगिन और एंड के बीच में अपने लॉजिक को रखते हैं। तो मान लेते हैं कि बिगिन और एंड के बीच में ये दो स्टेटमेंट लिख मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसका एग्जीक्यूशन कितने टाइम होगा, एन टाइम्स एग्जीक्यूशन होगा, एन से लेके 1 तक, और हर एग्जीक्यूशन में ये राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो लूप हमारा एन बार चलेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ओ एन हो जाएगी। अगर आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपने यूज़ किए। ऐसा माना जा रहा है कि एन जो है वो गिवन क्वांटिटी है, इनपुट क्वांटिटी है, लेकिन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अपनी तरफ से आई वेरिएबल का यूज़ किया, तो सिंपली एक वेरिएबल का आपने यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 मानी जाएगी, कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इसको समझने के लिए। यहाँ हमने लिखा फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड स्टेप +2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा राइट आई। नाउ ये जो लूप है हमारा वो कितनी बार चलेगा, हर अल्टरनेट वैल्यू के लिए चलेगा एन तक, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो n/2 टाइम्स होगा और हर बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशंस या टोटल नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट माने जाएंगे वो n/2 माने जाएंगे, और n/2 को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n लिखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविज़न, इन सब चीज़ों को हम ऑमिट कर देंगे। और अगर आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी क्योंकि इसमें केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। मान लीजिए कि हमने ऐसा स्टेटमेंट यूज़ किया है फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n स्टेप +3 डू, इस केस में इस लूप का एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स होगा, बहुत ही सिंपल है आपको समझना, अगर आपने ये समझा था तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो n/3 टाइम्स होगा, ओके।
एन बाई थ्री को भी हम ऑर्डर ऑफ एन ही लिखेंगे, फाइन। नेक्स्ट लेट्स से बहुत छोटा सा और एग्जांपल जिसमें फॉर आई इक्वल्स टू एन लिखा गया टू वन स्टेप माइनस टू डू। यहाँ पे लूप उल्टा चल रहा है और वंस अगेन ऐसा ही कंडीशन है कि टोटल एन माइनस सॉरी एन बाई टू टाइम्स चलेगा, दो 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 का डिक्रीमेंट है इसलिए एन बाई टू टाइम्स चलेगा और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन होगी क्योंकि इसमें हम केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।